तो अभी हम लोग ये वाली वीडियो में बात करने वाले ट्रेन इंटीरियर के बारे में, जिसे बेसिकली सलून भी बोला जाता है, सलून एरिया भी बोला जाता है। तो ट्रेन का जो इंटीरियर होता है उसको एक और एक नाम से बोला जाता है, जिसे बोला जाता है सलून एरिया। तो ट्रेन का जो इंटीरियर होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ही हमने कंसिडर किया ये पूरी ट्रेन का इंटीरियर, और इसी को ही बोला जाता है सलून एरिया। यहाँ पर ये पैसेंजर्स के लिए सीट होती है, यहाँ पर जो पैसेंजर्स होते बैठते, और यहाँ पर 7 पैसेंजर्स बैठ सकते, 7 या 8, तो हम लोग बोल सकते हैं 7 सीटर्स की सीट है ये, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखने मिलता है सलून एरिया में, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ही हमें कुछ इस तरीके से मैप दिखाई देता है, और यहाँ पर ये जो मैप होता है इसे बोला जाता है डायनेमिक मैप रूट डिस्प्ले DMRD, जो कि क्या करता है, अलग अलग लोकेशन के स्टेटस को बताता है, हर एक अलग अलग लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। और इसे डायनेमिक मैप इसलिए बोला जाता है, और एक मैप होता है जिसे बोला जाता है स्टैटिक मैप। स्टैटिक मैप में अगर हम लोग देखें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, बट ये जो डायनेमिक मैप होती है इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती। मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें कोई एक पर्टिकुलर स्टेशन आने वाला होता है, तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर स्टेशन पर LED ग्लो कर रही होती है, और कंटिन्यूसली वो जो LED होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन स्विच होती है, दूसरे से तीसरे, एंड सो ऑन। इसी रीज़न की वजह से इसे बोला जाता है डायनेमिक मैप डिस्प्ले, डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है डोर, डोर में यहाँ पर ये लेफ्ट लीफ, यहाँ पर ये राइट लीफ हमें दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई देता है इसे बेसिकली बोला जाता है डोर आइसोलेशन डिवाइस। तो जब हम लोग ये डोर आइसोलेशन डिवाइस को ऑपरेट कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो डोर होता है वो क्या हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। और जब डोर आइसोलेट हो जाता है, तो ऐसे केस में जब भी हम लोग डोर को आइसोलेट करेंगे, तो ऐसे केस में जो स्विच होता है हमारे डोर में, जिसे बोला जाता है डोर कटआउट स्विच, वो क्या हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है। डोर कटआउट स्विच ऑपरेट होने की वजह से होता क्या है, ये जो डोर होता है वो अनलॉक हो जाता है। और जब ये डोर अनलॉक हो जाता है, तो ऐसे केस में जो डोर है इसको हम लोग मैनुअली ओपन और क्लोज कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमें जो कांच जैसा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बेसिकली बोला जाता है ड्रॉट स्क्रीन, राइट। अब यहाँ पर ये जो होता है, ये होता है पोल्स, जो कि बेसिकली पैसेंजर इसे होल्ड करके खड़े होते हैं जब स्टेशन आ रहा होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगेन जस्ट होल्ड ऑन, जैसे हमने बात किया, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसे बेसिकली बोलते हैं ग्रैब पोल, इसके ग्रैब पोल इसे बोला जाता है, और इसके थ्रू अगर हम लोग देखें इसको होल्ड करते हुए जो पैसेंजर होते हैं वो खड़े रहते हैं। इन केस अगर कोई पैसेंजर को सीट नहीं मिलती, तो पैसेंजर अनबैलेंस ना हो बोल के ये ग्रैब पोल को होल्ड करके खड़े रहते हैं, राइट। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बात किया ग्रैब पुल के बारे में, यहाँ पर ये होता है AC का डक्ट, ये AC का डक्ट होता है जिसके थ्रू होता है क्या, कूल एयर आती है हमारे पूरे सलून एरिया में। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है गैंगवे, जैसे हमने बात किया था। यहाँ पर ये होती है स्क्रीन, ये विंडो स्क्रीन होती है, और ये जो ट्रेन होती है पूरी तरीके से कवर्ड होती है। यहाँ पर ये जो विंडो स्क्रीन होती है, ऐसा नहीं है कि ये ओपन होती है, क्लोज होती है, पूरी तरीके से क्या होती है, ये पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड होती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, ये होता है सलून कैमरा। ये सलून कैमरा के थ्रू होता है कि जो ट्रेन ड्राइवर होता है सलून की सारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है। और यहाँ पर ये वाली लाइट लगी होती है, जिसे बेसिकली बोला जाता है डोर स्ट्रीट लाइट इंटरनल। डोर स्ट्रीट लाइट इंटरनल के बारे में हमने डिस्कशन किया डोर वाली वीडियो में। ये डोर स्ट्रीट लाइट इंटरनल, इसका क्या काम होता है, जब डोर ओपन हो रहा होता है और क्लोज हो रहा होता है, ओपनिंग प्रोसेस में और क्लोजिंग प्रोसेस में जो लाइट होती है ब्लिंक कर रही होती है। जब डोर पूरी तरीके से ओपन हो जाता है तो ये ब्लिंक नहीं करती है, पूरी तरीके से टर्न ऑन हो जाती है। और जब डोर पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है तो ये जो लाइट होती है पूरी तरीके से क्या हो जाती है, टर्न ऑफ हो जाती है। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये होता है AC का डक्ट, यहाँ पर ये होती है विंडो, ये होती है बेसिकली विंडो स्क्रीन, ये होती है विंडो स्क्रीन जैसे हमने बात किया। और यहाँ पर ये होता है स्पीकर, स्पीकर के थ्रू कोई भी जो अनाउंसमेंट होता है पैसेंजर को सुनाया जाता है। अभी यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है गैंगवे। यहाँ पर ये होती है बेसिकली 230 वोल्ट AC सप्लाई, 230 से 240 वोल्ट AC सप्लाई आ रही होती है, जो कि बेसिकली पैसेंजर्स इसके थ्रू फ़ोन को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, जस्ट होल्ड ऑन, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है गैंगवे। ये गैंगवे होता है, और ये जो गैंगवे होता है ये क्या करता है, बेसिकली दो कार को कनेक्ट, ये बेसिकली पासेज प्रोवाइड करता है, कार टू कार पासेज प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसके बारे में हमने बात किया है। इसमें हमें साइड क्लाइडिंग पैनल असेंबली नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से गैंगवे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये होता है क्यूबिकल, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल होता है। जब इसको हम लोग ये क्यूबिकल को खोलते तो ऐसे केस में होता है कि हमें इलेक्ट्रिकल सर्किटरी मिलती है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, फिर कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये बेसिकली जो नंबर जो दिखाई दे रहा है बेसिकली ट्रेन के रिलेटेड नंबर होता है, ट्रेन सेट के रिलेटेड ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है।
यहाँ पर ये जो हमें जो डिस्प्ले जो दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हमने बात किया था पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में PACIS में, यहाँ पर ये वाली जो डिस्प्ले जो दिखाई दे रही है इसे बेसिकली बोला जाता है इंटरनल डिस्प्ले यूनिट। अभी यहाँ पर ये जो इंटरनल डिस्प्ले यूनिट होती है एक कार में दो लगी होती है, और ये जो इंटरनल डिस्प्ले यूनिट होती है क्या करती है, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन शो करती है डेस्टिनेशन स्टेशन कौन सा है, करंट स्टेशन कौन सा है, टर्मिनेटिंग स्टेशन कौन सा है, राइट। तो उसके बारे में ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन शो कर रही होती है। यहाँ पर अगर ये जो इंटरनल डिस्प्ले यूनिट है IDU, इसमें अगर किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आ जाता है, राइट, इसमें किसी भी तरीके का फॉल्ट आ जाता है, तो ऐसे केस में ये बेसिकली पूरी तरीके से बंद नहीं होती है। इसमें कुछ ना कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जिससे पैसेंजर को लगता है कि हाँ ये चल रही है, जैसे कि वेलकम टू दी रेलवे, वेलकम टू दी इंडियन रेलवेज, या फिर वेलकम टू दी मेट्रो रेलवे, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है जिसके वजह से पैसेंजर को ऐसा लगता है कि मतलब ये ख़राब नहीं है, अभी भी चल रही है। क्योंकि अगर ये डिस्प्ले अगर ख़राब हो जाती है तो ऐसे केस में कोई पैसेंजर को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो स्टेशन के रिगार्डिंग, तो ऐसे केस में अगर वो पैसेंजर कंप्लेंट कर देता है रेलवे सिस्टम में तो अनडिजायरेबल होता है। ये हमारी ट्रेन ऑफ स्टेट में पूरी तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेन का सलून एरिया हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हमने बात किया था यहाँ पर ये स्पीकर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये AC का डक्ट होता है, यहाँ पर ये सलून कैमरा होता है। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये होता है इमरजेंसी कॉल बटन। ये जैसे कि हमने बात किया था ये इमरजेंसी कॉल बटन होता है, इसके थ्रू होता है कि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन अगर हो तो ऐसे केस में जो पैसेंजर है वो ट्रेन ड्राइवर से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। जो पैसेंजर होगा इसके थ्रू ट्रेन ड्राइवर से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। इसका एक और एक नाम होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है पैसेंजर इमरजेंसी कंट्रोल यूनिट। जो पैसेंजर होगा ट्रेन ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा, राइट, किसी भी इमरजेंसी सिनेरियो में। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन के किसी कंपार्टमेंट में आग लग गई, या फिर आग तो नहीं लगती वैसे, तो मान लेते कोई लेडी आ रही है ट्रेन में और वो जो लेडी है उसका कपड़ा फंस गया डोर के बीच में, राइट। तो ऐसे केस में इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ऐसे केस में जो पैसेंजर होगा या तो इमरजेंसी ग्रीस डिवाइस को ऑपरेट कर देगा, या तो क्या करेगा, इमरजेंसी ग्रीस डिवाइस को तो ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि जब ट्रेन की स्पीड जीरो होगी तभी वो दरवाज़ा खुलेगा। जो पैसेंजर होगा ये डिवाइस के थ्रू, इसके थ्रू क्या करेगा, जो ट्रेन ड्राइवर है उसे कम्युनिकेट करेगा और बोलेगा कि ट्रेन को अभी ना चलाए क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये फिगर में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लेडी का कपड़ा जैसा कुछ समथिंग फंस गया है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेन ड्राइवर से कम्युनिकेट किया जाता है। इमरजेंसी कॉल बटन होता है जिसको दबाते साथ ही मतलब पैसेंजर से कम्युनिकेट किया जा सकता है, ट्रेन ड्राइवर से कम्युनिकेट किया जा सकता है। दैट्स इट, यही होता है हमारी ट्रेन का सलून एरिया जैसे हमने बात किया था। यहाँ पर ये वाला जो बटन है जैसे हमने बात किया था, ये वाला जो बटन है इसे दबाया जाता है। ये बटन दबाने के बाद जो पैसेंजर है ट्रेन ड्राइवर से कम्युनिकेट कर सकता है। अननेसेसरी अगर दबाएंगा तो ऐसे केस में पैसेंजर को फाइन पे करना होता है। एक और एक चीज़ जिसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया, इसे बोला जाता है LCD डिस्प्ले पैनल। अभी डिस्प्ले पैनल के थ्रू होता क्या है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पैसेंजर को मतलब जैसे कि कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो पैसेंजर को कन्वे किया जाता है, या फिर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है रेलवे के रिगार्डिंग उसे मतलब कन्वे किया जाता है पैसेंजर्स को। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर लिखा है प्लीज़ बी पेशेंट, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेन की सर्विस में अगर कुछ डिले हो जाती है तो ऐसे केस में जो पैसेंजर्स है पैसेंजर्स को मतलब बनाए रखने के लिए कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है, और साथ ही साथ कुछ मतलब अलग एडवर्टाइजमेंट भी होती है जो कि मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट को भी मतलब ये LCD डिस्प्ले के थ्रू शो किया जाता है पैसेंजर्स को।